वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। अब तक हमने हमारा जो रीडर पोर्शन है उसके अंदर 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है आदमी का धर्म। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका टॉपिक है आदमी का धर्म। इस पार्ट के अंदर हमें आदमी का जो वास्तविक धर्म है, वास्तविक धर्म से मतलब एक होता है बोलने का धर्म, बताने का वाला धर्म, जिसमें कहते हैं हम ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और एक होता है आदमी का वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म क्या होता है, हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, हमें किस प्रकार के धर्म को अपनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें इस पार्ट में जानने को मिलेंगी। यह पार्ट क्या है, एक धनी व्यक्ति और एक बच्चे के बीच बातचीत से संबंधित है, जिसमें इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। छोटे बच्चा जो है उसकी माता बीमार हो जाती है, तो वह उस धनी आदमी के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। तो किस तरह से दोनों के बीच बातचीत होती है, बच्चा क्या बोलता है, धनी व्यक्ति क्या बोलता है, तो इस संबंध में संवाद है। और इस पार्ट के माध्यम से आपको जो नैतिक गुण होते हैं, जो आपको जीवन में जो सीखना चाहिए, जिस तरह से आचरण करना चाहिए, जो मुख्य गुण हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, उन सब गुणों के बारे में आपको इस पाठ में जानने को मिलेगा। तो हम एक बार पाठ शुरू करते हैं। आदमी का धर्म। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, उस धनी आदमी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। वह धनी व्यक्ति जो था उसके कोई संतान नहीं थी। वह एक दिन अपने मकान में बैठा हुआ था, तो एक बालक था वो उसके घर के दरवाजे पर आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। उस समय वह धनी व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने बरामदे में, मकान के बरामदे में बैठ करके अखबार पढ़ रहा था। बालक धनी व्यक्ति को आकर के बोलता है, मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। वह जो बालक था आते ही बरामदे में बैठे हुए धनी व्यक्ति से क्या कहता है कि बाबा आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए। आदमी कहता है, इतने रुपए? ये क्या है, पुराने समय की कहानी है। तो उस समय आज की ज़माने में जो रुपए की वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। उस समय 5 रुपए की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। आज तो हम 5 रुपए को कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि रुपए का जो मूल्य है वो गिरता जा रहा है। लेकिन उस समय आप 5 रुपए में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आदमी ने कहा, इतने रुपए? हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। बालक क्या कह रहा है धनी व्यक्ति से कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मेरी माँ के लिए दवा खरीदने हेतु मुझे 5 रुपये की आवश्यकता है। आदमी पूछता है, तुम्हारी जाति क्या है? जब बालक ये कहता है कि मेरी माँ बीमार है और मुझे 5 रुपये आप दे दीजिए, तो जो धनी व्यक्ति बैठा हुआ था वह उससे पूछता है कि आपकी जाति क्या है। बच्चे से कहता है, तेरी जाति क्या है? बालक कह रहा है, मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा। बालक क्या जवाब दे रहा है, वह अपने आप को किसी जाति विशेष का ना बताते हुए ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र, इस तरह से ना बताते हुए क्या कह रहा है कि जो भी एक मांगने वाला होता है उसकी क्या जाति हो सकती है बाबा। मैं एक मांगने वाला हूँ, भिखारी हूँ, याचक हूँ, और धर्म क्या है तुम्हारा? आदमी जो है वो बालक से फिर से पूछता है। जब बालक कहता है कि मांगने वाले की कोई जाति नहीं होती, क्या जाति हो सकती है, तो आदमी उस बालक से फिर से पूछता है कि आपका फिर धर्म बताओ भाई, तुम्हारा धर्म क्या है? मांगने वाले का तो कोई धर्म भी नहीं होता। बालक क्या कहता है कि मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता, तो अपना नाम ही बताओ। आदमी ने पूछा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जाति नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है, तो अपना नाम तो बताओ। मैं बिना जान पहचान के किसी को कुछ भी नहीं देता।
मैं बिना किसी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं देता। जो अमीर आदमी था वो क्या कह रहा है बच्चे से कि मैं बिना किसी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं देता, तो पहले अपना नाम बताओ। बालक कह रहा है मेरा नाम भारत सिंह है। बालक ने अपना नाम क्या बताया कि मेरा नाम भारत सिंह है। आदमी कह रहा है इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पड़ते हो। आदमी कह रहा है इतना अच्छा नाम, सिंह सिंह आया ना, जो राजपूत क्षत्रिय होते हैं वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, तो उसके नाम को सुन करके अमीर आदमी ने क्या कहा कि तुम क्षत्रिय जान पड़ते हो। बालक कह रहा है नहीं, मैं केवल भारतीय हूँ। बालक अब भी क्या है अपनी जाति के बारे में नहीं बता रहा, वह कह रहा है मैं केवल भारत हूँ, सिंह मेरी पहचान है, सिंह जो मैंने पीछे लगाया है वो मेरी पहचान है। सिंह तुम्हारी पहचान है सो कैसे? आदमी ने पूछा, जो धनी व्यक्ति था उसने बालक से पूछा कि तुम अपना नाम भारत सिंह बता रहे हो, भारत तुम्हारा नाम हो गया, लेकिन तुम कह रहे हो कि सिंह जो है वो मेरी पहचान है, तो सिंह तुम्हारी पहचान कैसे हुई? मेरे को ये बताओ सिंह तुम्हारी पहचान कैसे हुई? बालक कह रहा है मैं भारत का निवासी हूँ इसलिए भारत हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ इसलिए मेरा नाम भारत है, सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है, सिंह जो है वो मेरे राष्ट्र का अपना जो निशान है, आपने कभी देखा हो जो अशोक स्तंभ पर सिंह बने हुए हैं उसे हमारे देश का निशान माना जाता है, तो इसीलिए बालक कह रहा है कि सिंह तो मेरे राष्ट्र का निशान है और भारत मेरा मेरे देश का नाम है, इसलिए भारत मेरा नाम है। अच्छा, आदमी कह रहा है अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? आदमी धनी व्यक्ति क्या है, बालक की बातें सुन करके थोड़ा चिढ़ गया, तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हें अपने देश से भारत से प्रेम है फिर मुझसे तुम रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश है कहीं भी जाकर के मांग लो। उस धनी आदमी ने उससे ये कहा कि जब तुम्हें अपने पूरे संपूर्ण भारत से प्रेम है तो इतना बड़ा देश है तुम कहीं भी जाकर के मांग सकते हो, मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो? फिर बालक कह रहा है आप भी भारतीय हैं मेरे पिता के समान। बालक ने कहा कि मैं भारत का हूँ इसी प्रकार से आप भी तो भारतीय हैं, और आप भारतीय हैं इसलिए मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया, यानी कि मैंने इसीलिए हिम्मत करके आपसे पैसे मांगे क्योंकि आप भारत के हैं, आप भारतीय हैं और आप मेरे पिता के समान हैं। बड़े बातूनी हो, बातूनी का मतलब होता है बहुत सारी बातें करने वाले। हम बातूनी किसको बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा बातें करता है ना घर में उसको हम बातूनी कहते हैं। मैं यूँ किसी को भी भीख नहीं देता। सेठ जी जो थे, अमीर आदमी जो था, वो कह रहा है कि मैं ऐसे किसी को भी भीख नहीं देता। तो बालक कह रहा है उधार ही दे दीजिए। बालक कह रहा है कि मेरे को भीख नहीं चाहिए, आप उधार दे दीजिए, मेरी माँ के इलाज के लिए उधार दे दीजिए। उधार भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। आदमी क्या कह रहा है कि भाई मैं आपको जानता ही नहीं, मैं उस बालक यानी कि वो जो धनी आदमी था वो उस बालक को नहीं जानता था, तो उसने कहा कि मैं जब आपको जानता ही नहीं तो मैं आपको उधार कैसे दे सकता हूँ? बालक कह रहा है आप मुझ पर विश्वास कीजिए, माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं लौटा दूंगा। बालक हाथ जोड़ के क्या कह रहा है कि आप मेरा विश्वास कीजिए, जैसे ही माँ की तबीयत सही होगी मैं आपको अपने पैसे वापस से लौटा दूंगा। तो आदमी कह रहा है अपने पिता को भेजो। बालक कहता है वे इस दुनिया में नहीं है, यानी कि बालक जो था उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो बालक ने कहा कि मेरे पिताजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? अनाथ क्या होता है? जिसका कोई नहीं होता, जिसके ऊपर किसी का संरक्षण नहीं होता, अकेला होता है, जिसका कोई नाथ नहीं होता। अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई नाथ नहीं होता, जिसका कोई भरण पोषण पालन पोषण करने वाला नहीं होता। तो धनी आदमी ने क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं है, इसका मतलब तुम
अनाथ हो। तो बालक कह रहा है बाबा अनाथ मत कहिए, मेरी माँ मुझे पालती है। बालक ने कहा कि बाबा मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे केवल पिताजी नहीं हैं लेकिन मेरी माँ मुझे पालती हैं, मेरा पालन पोषण करती हैं, इसलिए मैं अनाथ नहीं हूँ, आप मेरे को अनाथ मत कहिए। आदमी रुपए निकाल करके देता हुआ, अच्छा ये लो 5 रुपए, अब तुम्हें लौटाना भी मत। धनी व्यक्ति ने बच्चे की बातों से प्रभावित होकर के और उसे 5 रुपए दे दिए और उसने कहा कि अब इस तुम्हें ये 5 रुपए लौटाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब तक हमने पाठ में जो देखा समझा पढ़ा वो ये था कि एक बार मैं आपको छोटे से उसमें रिवाइज कर देता हूँ। इसमें क्या है, एक धनी आदमी है जो अपने मकान के बरामदे में बैठा हुआ है, उसके पास एक छोटा गरीब बच्चा आता है, आकर के विनती करता है हाथ जोड़ करके कि बाबा मेरे को आप थोड़े से रुपए दे दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए। तो धनी आदमी कहता है कि इतने रुपए किस लिए चाहिए आपको, भाई तुम्हें इतने रुपए किस लिए चाहिए। तो बालक कहता है कि मेरी माँ बीमार है, मुझे उन्हें स्वस्थ करने के लिए या उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो धनी आदमी सीधे से पैसे तो नहीं दे सकता, उसे जान पहचान करेगा, उनसे नाम पूछेगा। तो उसने उस बालक से कहा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। तो बालक क्या था, अपने आप को किसी धर्म विशेष में नहीं मान करके और अपने आप को भारत का एक निवासी मानता था। तो उसने अपना नाम क्या बताया, भारत सिंह। तो धनी आदमी ने कहा कि भारत तो तुम्हारा नाम हो गया, सिंह तुम्हारी जाति है शायद, है ना, क्षत्रिय हो तुम। तो बालक ने कहा कि नहीं बाबा मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, सिंह जो मैंने लगाया है पीछे वो मेरे देश का निशान है, इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया है और भारत मेरे देश का नाम है, इसलिए मेरा नाम भी मैंने अपना नाम भारत बताया। तो धनी आदमी फिर अगला सवाल ये करता है कि भाई जब तुम ये कहते हो कि पूरा जो भारत है वो मेरा देश है तो तुम किसी से भी जा करके पैसे मांग लो, मेरे से पैसे मांगने क्यों आए हो। तो बालक ने कहा कि आप भी भारतीय हैं और मेरे लिए पिता तुल्य हैं, यानी कि जो भी बड़े बुजुर्ग भारतीय हैं वो मेरे पिता समान हैं, इसलिए आप भी मेरे पिता समान हैं और इसीलिए मैंने आपसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगने का साहस किया। तो धनी आदमी ने कहा कि मैं किसी को भीख नहीं देता। बालक कह रहा है कि बाबा मेरे को भीख नहीं चाहिए, आप उधार दे दीजिए, जैसे मैं अपनी माँ का इलाज करा लूँगा मैं आपको अपने पैसे वापस लौटा दूँगा। तो धनी आदमी ने कहा कि भाई आपको मैं उधार कैसे दे सकता हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो बालक निवेदन करके कह रहा है कि बाबा विश्वास कीजिए, जैसे ही मैं अपनी माँ का इलाज करा लूँगा मैं आपके पैसे वापस से लौटा दूँगा। इस तरह से जो धनी व्यक्ति था वो बालक की बातों से प्रभावित हुआ और उसने बालक को 5 रुपए देते हुए कहा कि लो ये 5 रुपए और आपको ये पैसे लौटाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बालक ने कहा कि नहीं बाबा मैं किसी का भी उधार का जो पैसा है वो रखता नहीं हूँ, मैं आपको आपके पैसे वापस से लौटा दूँगा। तो इस तरह से हमने अब तक बालक और धनी आदमी के बीच जो संवाद हो रहा है उसके बारे में जाना है। हम जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे और इससे मिलने वाली जो शिक्षा है, कुछ शिक्षाएं आपको समझ में आ गई होंगी कि हमें कौन सी शिक्षा इस पाठ से अब तक मिल रही है। आप खुद से भी ध्यान लगाना कि कौन सी शिक्षा हमें इस पाठ से प्राप्त होती है और मैं भी आपको इस वीडियो के अगले भाग में जब पूरा पाठ करवाऊँगा तो उसके बाद आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि हम इस पाठ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।